आई लव दिस बीच, क्योंकि इस बीच में मजा और नशा दोनों है। तो आज मैं आपको ले चल रहा हूँ और आज आपको मैं ले चलने के साथ साथ दिखा रहा हूँ नॉर्थ गोवा का एक हिडन बीच, जहाँ तक नॉर्मल पब्लिक पहुँच ही नहीं पाती है और उन लोगों को पता ही नहीं है। इस बीच में मज़ा और नशा दोनों है, चाहे आप कुछ भी करो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वैसे पूरे गोवा में यही है कि आप कुछ भी करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फुल पार्टी फुल मज़े वाली जगह है। लेकिन इस बीच पर एक विशेष बात यह है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग आते हैं जो VIP होते हैं और इंडियंस तो बहुत ही कम आते हैं। और आप बीच का माहौल देख सकते हैं कि बीच का माहौल कैसा है। तो ये बीच कौन सा है, कहाँ पर है, ये बीच गोवा में कहाँ पर है और कौन सा है, इन सारी चीज़ों को बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि अगर आप भी जानना चाहते हैं फेमस प्लेसेज ऑफ नॉर्थ गोवा, विजिटिंग प्लेसेज ऑफ नॉर्थ गोवा, टूरिस्ट प्लेसेज ऑफ नॉर्थ गोवा, बेस्ट प्लेसेज इन नॉर्थ गोवा, बेस्ट बीचेज इन नॉर्थ गोवा, तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, आप चेकआउट ज़रूर करना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करता हूँ और आगे चल के आपको बताता हूँ कि ये जगह है कौन सी है जिसमें मज़ा और नशा दोनों है। मैं अभी इस बीच के सेंटर में पहुँच गया हूँ और ये बीच बहुत बड़ा है। अगर बात की जाए इस बीच की लोकप्रियता की, तो इस बीच पर एक लॉर्ड शिवा का स्टैचू है। फिलहाल मैं अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ क्योंकि बीच बहुत लंबा है, वॉकिंग करने में समय लगेगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में उस लॉर्ड शिवा की स्टैचू को भी दिखाऊंगा जिसे रशियन टूरिस्ट ने सन 1969 में बनाया था। मतलब पत्थर जैसे रॉक्स है ना, इनबिल्ट रॉक्स थी, उसमें उसने लॉर्ड शिवा का स्टैचू बनाया है। तो आप सोच सकते हैं कि लोकप्रियता कब से है, 1969 में रशियन टूरिस्ट ने बनाया था, तब से लोकप्रियता चली आ रही है। तो ये बीच नॉर्थ गोवा के अंतर्गत ही आता है और बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन में है, तो आपको एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। मज़ा है नशा दोनों ऐसे है क्योंकि जैसा कि आप माहौल देख सकते हैं कितना पीसफुल माहौल है, आपके मज़े करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। चाहे आप गर्लफ्रेंड के साथ आएँ, चाहे अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड के साथ आएँ, आपके लिए एक बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है ये बीच, क्योंकि नॉर्मल इंडियंस यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। अगर आपको यहाँ पर नशा चाहिए तो हर चीज़ यहाँ पे, वैसे भी गोवा में बियर लिक्वर हर जगह मिल जाती है, तो यहाँ पर भी अवेलेबल है। अब यहाँ पर सुंदरता की अगर बात की जाए तो बहुत ही सुंदर बीच है। आपको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि इस बीच पर ज़रूर आएँ। तो इस बीच का नाम है ओजरान बीच ऑफ गोवा और कुछ लोग लिटिल बागाटोर बीच कहते हैं, क्योंकि इस बीच के आगे बागाटोर बीच भी है। तो लिटिल बागाटोर बीच ऑफ गोवा एंड ओजरान बीच ऑफ गोवा दोनों सेम।